सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीकर जिले के फतेहपुर में सुबह सुबह दो गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं। जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक ही हालत गंभीर होने पर सीकर के एसके अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसा करीब सुबह 8:30 पर हरसावा के पास NH-52 पर घूम चक्कर के पास हुआ था। पुलिस के अनुसार बीकानेर की तरफ से आ रही गाड़ी को जयपुर की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। मृतकों में बाप और बेटे सहित एक महिला की मौके पर ही मौत की खबर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वही हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फॉर्चुनर और स्विफ्ट गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ हरसावा के पास, ये पहले टोल लगा हुआ था, टोल की थोड़ी ऊंचाई के कारण ओवर स्पीड के कारण एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी जयपुर से आ रही थी, फॉर्चुनर बीकानेर से जा रही थी, आमने सामने टक्कर हुई है जिसमें से कैजुअलिटी हुई।